तो छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए जो है इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन जो है जारी किए जा रहे हैं। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको ये लगता होगा कि अभी तो छत्तीसगढ़ में अब वैकेंसी जो है नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगले साल 2023 में आपका चुनाव होने वाला है, तो आप लोग वैकेंसीज़ का और भर्ती का बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पर जो है फोकस करना है। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में CF और DF के जो है 5,853 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है वैकेंसीज निकल कर आया है, जिसमें आप लोग आसानी से जो है इस भर्ती प्रक्रिया में जो है शामिल हो सकते हैं, आसानी से जो है आप आवेदन कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी अवश्य रूप से हो सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ यदि आप अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और जो बुक मैं आपको बताऊँगा, देखिए वापम के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आप ये सोचेंगे कि एक से दो बुक मैं कहीं भी मार्केट से उठाकर परचेस करके खरीद कर जो है पढ़ाई करूँगा तो मेरा एग्ज़ाम सिलेक्शन हो जाएगा और मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाऊँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अलग अलग टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं, तो आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हर एक अलग अलग सिलेबस जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के लिए जो है अलग अलग राइटर्स के बुक आपको परचेस करना है, और जितना ज़्यादा हो सके आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज जो है रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही सबसे अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज स्ट्रांग रहेगा उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला पाएंगे, और अच्छे से नंबर आएगा तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और एक चीज़ बस बोलना चाहता हूँ, कभी भी अपने आप को कम मत समझना। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन और वो ज़िंदगी में आगे इसी वजह से नहीं बढ़ पाते और उन्हें सफलता इसी वजह से नहीं मिल पाती, क्योंकि वो उन्हें खुद पर जो है भरोसा नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि यार मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका ही सिलेक्शन होगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, वैसे भी मेरा तो 3rd डिवीज़न है, 2nd डिवीज़न है। ऐसा सोच सोच करना आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में ना परेशान होना भी चाहिए सिर्फ अपने स्टडी को लेकर, जितना हो सके आप अपने लाइफ के बारे में यदि सोच रहे हैं उसके लिए सीरियस हैं कि मेरा फ्यूचर जो है आज से आगे आने वाले समय में किस तरीके से बेहतर होगा, तो इसके लिए परेशान होते हैं तो कोई बात नहीं। तो आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ के बारे में जो है सीरियस हो जाइए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए। अभी जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल चाहे नॉन प्रोफेशनल, आपका परसेंटेज तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। जो भी आप डिग्री चाहे आप MBBS कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे फार्मेसी वाले, इंजीनियरिंग, चाहे एग्रीकल्चर, कोई भी कोर्स वाले, LLB सभी कोर्स वाले, तो आपका परसेंटेज तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन जब तक आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो सकता और आपको जो है जॉब नहीं मिल सकता। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको अपना नॉलेज ही इम्प्रूवमेंट करना है, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा मैथ्स के, रीजनिंग के, उतने ही। देखिए मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ ADO भर्ती परीक्षा को छोड़कर छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, CG व्यापम हो तो CGPSC हो, बैंक हो, SSC हो, रेलवे, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अभी से अगर नॉलेज रखने, धीरे धीरे से ही आपको स्टडी करना है, धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। एक ही बार में कोई भी किसी को भी सफलता हासिल नहीं होती और आपको भी सफलता एक ही बार में नहीं मिलेगा। धीरे धीरे जब आप लोग प्रयास करते जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो है सफलता, सक्सेस मिलने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में CF और DF के जो है 5,853 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लाया है, जिसमें आप लोग आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना बिल्कुल ही आसान है और आप लोगों का सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में CF और DF के जो है 5,853 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है, तो सभी युवाओं के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। नौकरी मिलने का सबसे अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर आपने इस अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया तो शायद लाइफ में आपको कुछ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को कभी नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी आप लोगों को एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, तो खुद के ऊपर भरोसा करना सीखो। इस दुनिया में अपने आप पर ही भरोसा करना, किसी और पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना। कोई हम पर भरोसा करे या ना करे, अपने आप पर आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, तो आप आराम से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता,
कंपटीशन एग्ज़ाम जो है आसान है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कंटिन्यू, आप मेरे चैनल्स पर अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है देखते हैं तो अप्रिशिएट अवश्य किया कीजिए। अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और आपका अगर कोई भी डाउट्स रहता है, कोई भी सवाल रहता है तो आप जो है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इसी तरह से आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है करता रहूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आपके आने वाले समय में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी किए जाएंगे, चाहे वो आपका हॉस्टल वार्डन का ही वैकेंसी क्यों ना, हॉस्टल वार्डन का भी वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो है 390 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है, 390 पोस्टों के लिए आप जो है आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। और आप जो है हॉस्टल वार्डन भी बन सकते हैं, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका कंप्यूटर्स। तो यदि आपको कंप्यूटर्स की बहुत अच्छे से नॉलेज है, बेहतर नॉलेज है, तो आप जो है कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से डेफिनेटली हो पाएगा, और आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। असल में कोई भी इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, सिर्फ आपको मेहनत करने की देरी होती है। यदि आप मेहनत ही नहीं करेंगे, तैयारी ही नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, और कहाँ से आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सिर्फ आपको जो है मेहनत करना होता है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है एक बेहतर रिज़ल्ट जो है देखने को मिलता है। तो ज़िंदगी बहुत संभावनाओं से भरी हुई है, अगर आपको एक बार असफलता मिल जाता है तो ये सोच कर कि आगे मेरा कुछ नहीं होगा ऐसे नहीं सोचना, अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा है, बस आपको उस लेवल के जो है मेहनत करना है, प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी में जो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को कंटिन्यूस नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज है मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, अगर आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट अवश्य किया कीजिए। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना, और आप लोगों के लिए मैं नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस जो है लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू, अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट अवश्य कीजिए, और ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज दे सकूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।